बड़ी खबर दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा से मिल रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, उसके पास से लूट के 15,000 रुपए, पिस्तौल, मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद हुए। गिरफ्तार बदमाश पर आरोप है कि वो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से लूटपाट करता है। ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी और उसके पास से लूट के रुपए और मोटरसाइकिल, साथ ही पिस्तौल भी बरामद किए। उत्तर प्रदेश के नोएडा से ये बड़ी खबर, और जिस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है उस पर आरोप ये है कि वो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों से लूटपाट करता था, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच दिल्ली में एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की तरह एक लड़की को मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि तिलक नगर इलाके में एक आदमी अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर उसके टुकड़े करना चाहता था, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा और उसके शव को वहीं छोड़कर फरार हो गया। आरोप है कि मनप्रीत नाम के शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर से तंग आकर उसकी हत्या की साजिश रची, जिसके लिए वो बाकायदा बाजार से एक चॉपर खरीद कर लाया। इसी घर के अंदर उसने देर रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि उसे मौत के घाट उतारने के बाद मनप्रीत श्रद्धा की तरह उसके टुकड़े करने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक महिला के शव पर चोट के कई निशान पाए गए, जिनमें गले और जबड़े पर धार